वहां पर सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमारे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं। सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं और प्रियव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी बस्ती से। स्वाति, हम आपका रुख करेंगे। देखिए, दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, मतदाताओं का क्या कुछ वहां पर उत्साह कितना दिखाई दे रहा है? देखिए, सुबह से ही जो वोटर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और इस वक्त हम लोग नई दिल्ली लोकसभा सीट पर मौजूद है। और नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से मीनाक्षी लेखी चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। सरकार में मंत्री भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाया गया। इस वक्त जो है वो यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचेंगे। निर्माण भवन मतदान केंद्र पर इस वक्त हम लोग मौजूद है। एक बार नंदनी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो तमाम बैरिकेडिंग्स है वो कर दी गई है, क्योंकि किसी भी वक्त सोनिया गांधी वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगी। और दिल्ली इस बार इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही नई दिल्ली सीट पर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी है, क्योंकि नई दिल्ली सीट गठबंधन में आम आदमी पार्टी को गई है। तो ऐसे में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी इस सीट पर नहीं है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन में है।